तो मैं आपको ये सारी चीजें एक फॉर्मूला में डाल के देने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? एक फॉर्मूला में डाल के देने वाला हूं। आपको सिर्फ वो फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें नहीं। आपको अगर ये एक डेढ़ घंटे में हम जो बात कर रहे हैं वो सारी चीजें भूल जाओ, पर ये जो फॉर्मूला रहेगा ना, ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना जो मैं अभी बताने वाला हूं। तो पहली चीज होती है जिसको कहते हैं प्रोएक्टिविटी। आप लिखना शुरू करो, क्या है प्रोएक्टिविटी? प्रोएक्टिविटी का मतलब क्या है कोई बताएगा? प्रोएक्टिव होना के मतलब, उसका मतलब क्या है? प्रोएक्टिविटी का मतलब क्या है? पुढ़ाकार घेणे, स्वयं प्रेरित, दैट इज मोटिवेटेड। प्रोएक्टिव होना, प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव चा अर्थ काय? प्रोएक्टिव म्हणजे मी असा बसलेला असतो, बघा माझ्या टेबलवर बसलोय आणि माझा तो बाजूचा कलीग आहे ना, त्याला पेन पाहिजे, पेन, असा वाकडा तिकडाहून पेन घ्यायचा प्रयत्न करतोय, मी काय हालत नाही माझ्या जागेवरून, त्याला तो पेन उचलून देणं ना म्हणजे प्रोएक्टिव्हिटी आहे। संध्याकाळी घरी जातो, घरी गेल्यावर असा टेबलवर बसलेला असतो, काउचवर, बायको आपली काम करते भरपूर, तिला ना छोटसं तो पेपर इकडचा हवा असतो, आपण टीव्ही बघत पाय तंगड्या गाटाकत टीव्हीवर रिमोटवर बघत असतो, हवा येऊ द्या, संध्याकाळची कुठून कुठून येते आपल्याला माहिती आहे ती, राईट? तो असं बघतोय, तिला बिचारीला ते पाण्याचा ग्लास हवाय, आपण तो पुढे उचलून तो पाण्याचा ग्लास देत नाही, त्याला प्रोएक्टिव्हिटी म्हणतात। एखादी गोष्ट, एखादं काम आपल्याला न सांगता आपल्याला वाटतं म्हणून आपण करणे, इज दॅट ओके? एक अच्छी टीम बनाने के लिए एक टीम मेंबर में क्या बिहेवियर होना चाहिए? प्रोएक्टिविटी का। अगर आप प्रोएक्टिव नहीं हो तो आप अच्छे टीम मेंबर नहीं बन पाओगे। क्या बनना है? और एक अच्छा टीम मेंबर नहीं बन पाओगे तो एक अच्छा लीडर नहीं बन पाओगे। कितने लोगों को यहां पर आगे जाके लीडर भी बनना है देखो, तो यह ग्रोथ का फॉर्मूला है। अगर खुद से आप लोगों की मदद ना कर पाए खुद से, तो शायद एक अच्छे टीम मेंबर ना बनोगे। अगर एक अच्छे टीम मेंबर नहीं बने तो शायद फ्यूचर में आप एक अच्छे लीडर नहीं बन पाओगे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? प्रोएक्टिविटी इज माय एबिलिटी टू बी अवेयर, एबिलिटी टू बी अवेयर कि मेरे आजू बाजू में क्या चल रहा है, किसकी मदद कर सकता हूं मैं। एक बुड्ढा जा रहा है, उसके लिए उसको मदद करता हूं रोड क्रॉस करने के लिए। पेमेंट आने वाले हैं तो पहले प्रोएक्टिवली बता दूं, यह प्रॉब्लम हो सकता है, यह प्रोएक्टिवली बताता हूं, यह चैलेंज हो सकता है, यह प्रोएक्टिवली बताता हूं। अगर यह चीजें नहीं कर पाता हूं तो शायद मैं ऐसा बंदा रहता हूं जो पीछे से काम करते रहता है, हर चीज पीछे से करते रहता है। प्रोएक्टिव लोग ना आगे रहते हैं, है कि नहीं? प्रोएक्टिव लोग आगे रहते हैं, रिएक्टिव लोग पीछे रहते हैं, और वो झुंड की तरह चलते रहते हैं तुम्हारे साथ। तो धीरे धीरे फिल्टर होके सारे प्रोएक्टिव लोग आगे आ जाते हैं, और जो आगे आ जाता है वो कौन बन जाता है? तो फॉर्मूला क्या है? प्रोएक्टिव रहो। प्रोएक्टिव नहीं रहोगे, एक टीम, अच्छी टीम मेंबर में प्रोएक्टिविटी नहीं हो तो वो शायद आगे जाके एक अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा। And if you want to stay ahead in life, if you would want to become a leader of your company, it is very important for you to be proactive. Proactive, is that okay? Karna proactive manje kaay? Nakki.